खबर बलौदा बाजार से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे लोगों से टकराकर पलट गई। इसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब कृष्ण जन्म अष्टमी के मौके पर गिरोदपुरी में भव्य मेले का आयोजन था। पूरे छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु गुरु घासीदास बाबा की दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। अभी हम लोग को जैसे खबर मिली थी, स्कॉर्पियो से 5-6 आदमी थे, इनको चोट आई है और खबर मिलते ही इनको तुरंत यहाँ पे लाया गया और यहाँ जो सुविधा उपलब्ध है प्राइमरी ट्रीटमेंट वो यहाँ पे कर दिया गया है और 108 को फ़ोन भी कर दिया गया है और उनके थ्रू यहाँ को CSC बाकी के ट्रीटमेंट के लिए CSC रिफ़र किया गया है और बाकी का ट्रीटमेंट वहीं पर होगा और ऐसी गंभीर चोट नहीं आई है किसी को। वहाँ पे रोड पे थे, जा रहे थे मंदिर तरफ घूमने के लिए, फिर उधर से काला कलर का बाइक मतलब कार आ रहा था। हम लोग देखे उस कार को, स्लो में था, फिर अचानक से उसका स्पीड ऐसे ही स्पीड बढ़ा कि हम लोग समझ नहीं पाए कि इधर जाएं इधर जाएं। हम लोग अपने ही साइड में चल रहे थे, वो अपने साइड में आ रहा था, फिर अचानक से टर्न लेके पूरा सामने वालों को रौनते हुए हम लोगों के तरफ आया, फिर हम लोगों के पीछे वालों को भी रौनते हुए ऐसे। गिरोदपुरी अष्टमी मेला समापन के दौरान 5 बजे के आसपास गिरोदपुरी निवासी मोहन सुनकर अपने दुकान से कार के माध्यम से घर वापस आ रहा था। इस बीच PHC तिराहट पास गड्ढे में उनकी कार का एक चक्का चले जाने से पैर ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर चला गया, जिससे रोड किनारे लगे चाट की दुकान में खड़े लोगों को चोट लगी है, जिसमें 8 लोग को सिंपल चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CSC कसडोल भेजा गया है और आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 183, 279, 337 के तहत कार्रवाई की जा रही है।